सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और टुडे वी आर गोइंग टू ऐड अ हीटर इन अ एक्वेरियम। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में हो रही है बारिश और विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो फिशेस को जो है हीटर की नीड होगी। और आज हम हीटर लगा रहे हैं अपने एक्वेरियम में। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हमारी फिशेस की वैरायटी, मतलब क्या नाम है इनका। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं सारी फिशेस जो लाया हूँ टेट्रास हैं, और कुछ इसमें गपीज़ हैं। इसमें गपीज़ हैं और विडो टेट्रास हैं और रेड फिन टेट्रास हैं और सर्पी टेट्रास हैं। ये कुछ वैरायटीज़ जो है मैंने रखी हुई हैं। और टोटल हमारे इस एक्वेरियम में 30 फिशेस हैं और काफ़ी अच्छे से ये इसमें रह रही हैं। तो चलिए हम ले आते हैं अपना हीटर जो कि लगेगा हमारे एक्वेरियम में। कुछ इस टाइप का हमारा हीटर है और ये 150 वॉट का है और इट्स सफिशिएंट फॉर आवर एक्वेरियम। और हमारा जो है लाइव प्लांट एक्वेरियम है, तो ज़्यादा अगर पानी गर्म होगा तो हमारे प्लांट भी डैमेज हो जाएंगे। तो हमें फिशेस और प्लांट्स दोनों का ख्याल रखते हुए हमने अपना टेम्परेचर 26 रखा है। और आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से टेम्परेचर दिखता है कि कितना टेम्परेचर है और वी कैन कंट्रोल इट फ्रॉम देयर। एंड ये इंडिकेशन लाइट है जिससे पता लगता है कि लाइट हमारा हीटर काम कर रहा है। तो चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द हीटर इन आवर एक्वेरियम। लेट्स गो। तो हीटर हमारा लग चुका है और हम आपको राइट वे दिखा देते हैं हीटर को लगाने का। तो जैसा कि हमारे बॉक्स पर दिखाया हुआ है कि जो हीटर है वो पूरा पानी के अंदर डिप होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो मे बी द ग्लास अगर गर्म हो जाएगा तो वो टूट सकता है ग्लास गर्म होकर। और हमें पूरा हीटर अपना पानी के अंदर डाल देना है जिससे कि वो हीट उसको ग्लास को ज़्यादा गर्म ना करे और सारा जो हीट है वो पानी अब्जॉर्ब करे। अगर थोड़ा सा भी ऊपर का हिस्सा बाहर रह जाता है तो वो गर्म होके हीटर को ख़राब कर देगा, प्लस टूटने की वजह से फिशेस भी डैमेज हो सकती हैं। तो देखिए, अब लग चुका है हमारा हीटर और हम कर देंगे इसको स्टार्ट। हमारी फिशेस देख रही हैं कि ये क्या नई चीज़ आई है। और जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ राइट वे एक्वेरियम में हीटर लगाने का। और उसी टाइप से हमने लगाया है, जो पूरा हीटर है वो पानी के अंदर डिप होना चाहिए। और मेक श्योर कि आप इसे ऑन रखें। फ़िल्टर जो है ऑटोमेटिकली होता है, हमने इसे ऑन कर दिया है। जब इसका टेम्परेचर 26 डिग्री हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और टेम्परेचर डाउन होने पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल में और
चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।